डिग्री में क्या है। भरतपुर रहना यहाँ से पास पड़ जाएगा 20-25 पुरान ले। भरतपुर का पूरा लाई सरसों का है, इससे ज्यादा सरसों भरतपुर यहाँ से 20-25 किलोमीटर। हाँ चलेगा उनके दर्शन करते हैं बालाजी के। भरतपुर से फिर और काफी आगे हैं बालाजी, तो आगे भरतपुर तो वो सेंचुरी है ना, वो बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी डीग में वो है। फतेहपुर सीकरी, अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, सभी जगह का नाम दिया है फतेहपुर सीकरी। इसके बैक साइड में पुरानी जगह, बट सीकरी पुरानी जगह है सर, वहाँ कोई नहीं रहता। फतेहपुर मेरा गांव है, 20,000 लोग रहते हैं, मिलाकर कम्बाइन फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। जिस गेट से अभी आप लोगों ने एंट्री किया, कैसकोल शाही दरवाजा, शाही दरवाजे से अकबर की फैमिली हर फ्राइडे के दिन आगरा से आती थी। सामने मस्जिद है नमाज पढ़ने, इस मस्जिद के अंदर यहाँ की जो मुस्लिम लोग हैं वो आज भी पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं, एवरी डे एंड एवरी फ्राइडे। इसी का नाम दिया है सर बुलंद दरवाजा, बुलंद मिस हाई दरवाजा इज अट। अकबर ने एक फाइट लड़ा था खानदेश गुजरात अहमदनगर, चांद बीबी को हरा कर आए थे और उस जीत की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। सबसे मेन जो जगह इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ व्हाइट वाली बिल्डिंग, पीर बाबा की दरबार सलीम चिश्ती, लेकिन सलीम चिश्ती बाबा को लोग सर सूफी के नाम से जानते हैं। ये सूफी में सारे धर्मों को मानने वाले। अकबर की तीन रानियां थी, वन हिंदू जोधा बाई, वन मुस्लिम रुकैया बेगम एंड वन क्रिश्चियन तर्की सुल्तान। अकबर के पास दौलत थी, इज्जत थी, शौहरत थी, मगर औलाद नहीं। अकबर अभी 9 साल एंड अकबर फर्स्ट कैपिटल दिल्ली, और दिल्ली से अकबर औलाद की खातिर, राहुल तू तो बिल्कुल ही वो है यार तेरी औलाद की खातिर से हिंदुस्तान में हर जगह प्रार्थना करने गया, मंदिर मस्जिद दरगाह, क्योंकि सारे धर्मों को अकबर फॉलो करता था। लेकिन अकबर का विश कहीं से पूरा नहीं हुआ, अकबर लास्ट अजमेर गया राजस्थान। राजस्थान में एक दरगाह है सर ख्वाजा मोइदी चिश्ती, आपने नाम सुना होगा, उनकी भी सुभान अल्लाह, उनके ये पोते हैं वो दादा है। लेकिन दादाजी की दरगाह से अकबर को बेटा नहीं मिला। अजमेर में अकबर को एक सपना हुआ था, बेटा चाहिए अकबर फतेहपुर सीकरी से, वहीं से आपको बेटा मिला। नंगे पांव नंगे सिर बाई वॉक पैदल अजमेर से अकबर फतेहपुर सीकरी बेटे के लिए आए। उस जमाने में किला नहीं था, उस जमाने में ताजमहल नहीं था, और उस जमाने में आबादी नहीं था, जस्ट लाइक ए माउंटेन एरिया जंगल। और इसी जंगल में मैडम ये पीर बाबा यहाँ बैठकर इबादत करते थे। तो अकबर ने बेटे के लिए सर झुकाया, बाबा ने अकबर को आशीर्वाद दिया, हिंदू रानी जोधाबाई से एक बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे का नाम अकबर ने सलीम रखा, सलीम इसलिए रखा था क्योंकि वो सलीम बाबा की दुआओं से पैदा हुआ था। जब वो बड़ा हुआ गद्दी पे बैठा, नाम चेंज किया जहांगीर, एंड जहांगीर में सारे जहां का बादशाह। सो अकबर इज वेरी हैप्पी, सारा बिल्डिंग बेटे की याद में बना। अकबर को जहांगीर नहीं मिलता तो शाहजहां नहीं होता, और शाहजहां नहीं होता बाबू जी तो ताजमहल नहीं होता। ये सारा जो रोल था ना सर पीर बाबा, आज भी बड़े बड़े फिल्मी स्टार बड़ी बड़ी वीआईपी केवल पीर बाबा की है। लेकिन आते वो है मैडम जिनको बाबा बुलाते, जिनका बुलावा नहीं होता वो रास्ते से लौट जाते। हमारे यहाँ परवेश मुशर्रफ आए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, हस्बैंड वाइफ दोनों, लेकिन बुलावा नहीं था उनका। जहाँ अपने शूज खोला है ना पहली सीढ़ी चढ़े उनका पाँव मुड़ गया, वो बादशाही दरवाजे के बाहर बैठे रह गए, खाली मिसेस ने अंदर चादर चढ़ाए, लौटे नहीं थे सर यहाँ ही तक आए थे, बट अंदर बुलावा नहीं था, खाली मिसेज अंदर आई थी, हस्बैंड वहीं बैठे रह गए। तो दरगाह के अंदर मैडम आज भी तीन साइड में खूबसूरत जाली है, लोग वहाँ मन्नत के लिए धागा बांधते। एक बंदा यहाँ तीन विश मांग सकता, त्रिविश एंड ऑल्सो त्रिविश, सो विश एनी काइंड सर, औलाद का, बिजनेस का, अच्छा लाइफ का, अच्छा नाम का, अच्छा पोस्ट का, 101% लोगों की विश पूरी होती है। और जब विश पूरी हो जाती है तो यहाँ लौटकर धागा खोलने नहीं आते, अपने शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ दो फकीर को पीर बाबा का नाम लेकर खाना खिलाते।
धागा खुलनी है ना नॉट कम्पल्सरी, बट जिनको बाबा बुलाते उनको दुनिया की ताकत नहीं होती। जैसे फिल्म स्टार ऑफ कैटीना 6 बार कमी क्योंकि बैट सुभान अल्लाह, जिनको बाबा बुलाते हैं मैडम वही लोग आते हैं। तो अंदर लोग जो भी विश करते हैं तो अंदर जाने से पहले यहाँ की एक रीत है मैडम, लोग अपना हैंड वॉश करते हैं द होली वाटर, क्योंकि लोग शूज खोल कर आते अदब के साथ सर ढकते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर अंदर जाते हैं तो पहले वहाँ लोग चादर चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ दरगाह के अंदर सोना चांदी नहीं चढ़ाते, रुपया पैसा नहीं मांगते, फकीर नहीं बैठते, सारे मंदिरों से इनका नियम अलग है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो दान है सर वो चादर का, क्योंकि चादर का 2 सवाब मिलता है, चढ़ने के बाद गरीब लोगों को बढ़ जाता है, वो लोग अपना साड़ी बना लेते हैं, भगवान से आपके लिए आपके जोड़े के लिए दुआ करते हैं। और चादर का जो प्रॉफिट आता है वो स्कूल में जाता है, यहाँ गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो शॉपिंग सेंटर इज नॉट अलाउड, बट चढ़ाते खुशी से सर, हमारे यहाँ फोर्स नहीं है, जो दिल से चढ़ाते बाबा उन्हीं की चादर गुड लक करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में लाइफ में हजारों नहीं लोग लाखों खर्च कर देते हैं, ये वो दरबार है मैडम, देखकर नहीं खुशियाँ लेकर जाते हैं। सो 1% 3 विश नो मोर। तो पहले हम देखेंगे बुलंद दरवाजा, उसके बाद हाथ धोकर जो गाना हुआ था, और यहाँ शाहरुख खान को मारा था और मेहमा चौधरी वहाँ से भाग कर आती थी, और उसके बाद एक मूवी बनाता सर यहाँ कच्चे धागे सेफली खान अजय दलदल, और एक मूवी बनाता हीरांजा ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो हीरांजा गरम बाबा लाल पत्थर मुगले आजम हमारे गाँव का शूटिंग आ जाए। सर जहाँ आप लोग खड़े ऊपर टॉप तक 134 फीट एंड रोड लेविन 176, और इसकी 52 सीढ़ियां 52 स्टेप। यहाँ से अकबर की सैनिक लोग आते थे चलकर, एंड 3 साइड राइटिंग ऑफ कुरान शैम लाइक इट ताजमहल, बट ताजमहल जब बनाया था ना वो इसी गेट को देखकर बनाया था, क्योंकि ताजमहल से 100 साल पुरानी था 100 ईयर। और नीचे जो ब्लैक डोम है जमाने के शाह इमाम नहाने धोने की जगह शाही अकबर का कहना था, जो भी मेरे गुरु की दरगाह पर जाए पहले स्नान करे उसके बाद आइए सर इधर से अनार गली का सुरंग। और ये सारी कब्रें हैं सर सलीम चिश्ती बाबा के परिवार के लोग, और उनके फैमिली के लोग अभी भी जिंदा हैं, जो भी मरते हैं उनको यहाँ दफना सकते। अंदर लेडीज का है मिरांडो में, बाहर जेंट्स का, क्योंकि उस जमाने में लोग पर्दा किया करते थे सर अदब के साथ, लेडीज को अलग उसके बैक साइड में। द वन पीस नो जोड़े किसका 422 ईयर्स क्या इसी जमाने का है, 422 साल पुराना यहाँ लगे। अच्छा ये दरवाजे यहाँ के अंडरग्राउंड टनल आगरा, आगरा टू गो दिल्ली एंड दिल्ली टू गो लाहौर पाकिस्तान। एक मूवी बनाता मुगले आजम, प्यार किया तो डरना क्या, अनारकली एक डांसर थी, सलीम अकबर का बेटा था बट अनारकली से लाभ करता था, अकबर नहीं चाहता था मेरे घर में कोई डांसर बहू आए, अकबर ने इसी जगह अनारकली को चुनवाया बट अनारकली को मारा नहीं था बिकॉज अकबर इज वेरी क्लेवर। अकबर जानता था इस दर से मैंने दुनिया की दौलत मांगी बेटा, बेटा नहीं दौलत नहीं, उनके दरबार में मैं अनारकली को मारूं मेरी औकात नहीं, तो यही से अनारकली को निकाला। तब सलीम की शादी नूर जहां से कराई थी, नूर जहां का बेटा साजा, साजा का बेटा औरंगजेब, अकबर को सलीम नहीं मिलता, अकबर का वंश वही खत्म हो जाता, इसलिए लोग इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से पीर बाबा के लिए आते हैं, बिकॉज दिस दरगाह इज वेरी फेमस। तो अभी हम लोग दरगाह चलेंगे, सीधे पाउंड से अंदर एंट्री करेंगे, पहले आप अपना हैंड वॉश करेंगे उसके बाद दरगाह पीस कर। Thank you.
धागा या बांधो बता जी।